ग्वालियर मेट्रो स्ट्रीट पर ही हमारे बीच में एक संविदा प्रेरक भी हमारे बीच में है जो मध्य प्रदेश से चलकर आए हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं यहां मुख्यमंत्री। और इनको जब चुनाव जब हो रहा था उस समय बोला गया था कि भाई मैं इस राज्य का मामा हूं और मैं सबकी समस्याओं को सुनूंगा, लेकिन आज इनकी बातें नहीं सुनी गई। तो आज दिल्ली के अंदर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं काफ़ी तादाद के अंदर। आइए हमसे जानकारी लेते हैं इनकी मांगे क्या हैं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अच्छीलाल साके सर। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? ये अपनी मांगे पूरी करने के लिए हमको नियमित किया जाए। जो कम वेतन है इसमें हमारा काम नहीं चलता, पर यदि वेतन कम देता तो हमको नियमित कर दे, तो इससे नियमित यदि पहले कर देंगे तो हमको सारी मांगे मिल जाएंगी। पर वेतन की हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हमारी नियमित करें, और जो हमारा वेतन रुका हुआ है 18 महीने किसी ब्लॉक के लिए 20 महीने का, तो पूरा दिया जाए। आप लोग कितने लोग हैं संविदा पे परिसर क्या बोलते हैं? संविदा प्रेरक कितने लोग हैं मध्य प्रदेश में? 26,000 जी सर। तो आप लोग यहाँ ये आए हैं, पहले भी आप लोग आए थे यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्या आपने शिवराज पाटिल की सरकार और शिवराज चौहान की सरकार पे भी क्या आपने कोई धरना प्रदर्शन किया? हाँ हाँ किया सर, उनको डायरेक्ट अभी जो चुनाव था हमारे चित्रकूट क्षेत्र में उनको जगह जगह ज्ञापन भी दिया, पर इसके पहले किया गया कि आपकी सुनवाई करेंगे पर लगता है हमको नहीं करेंगे, पर इसका भुगतान 2018 में दे सकते हैं हम लोग। 2018 में कैसे देंगे आप लोग? वोट के माध्यम से सर, हमारे पास वो शक्ति है। यदि हमारी बात है, कितने लोग बताए कितने कर्मचारी? 26,000 सर। 26,000 अभी इन्होंने बताया कि 26,000 कर्मचारी हैं। 2018 में जब चुनाव आएगा हम शिवराज चौहान जी को देख लेंगे, तो देखने की बात कर रहे हैं। क्या जब मांगे हैं तुम्हारी क्यों पूरी नहीं हो रही है? नहीं सर, मैं शिव कुमार साकेत सतना MP से, और सर मैं शिवराज सिंह चौहान जब मेरे यहाँ चुनाव हुआ था उपचुनाव चित्रकूट क्षेत्र में, मैंने डायरेक्टली उनके आवास में जाकर मिला और ज्ञापन दिया। सर उन्हें बोले कि हमने आपकी अभी हमारे यहाँ आचार संहिता लगा हुआ, आचार संहिता जैसे खत्म होगा हमने आपकी बातों को वहाँ तक बोलेंगे और मतलब आपकी मांगे पूरे करेंगे। मगर सर हम जब चुनाव होता है, मतलब सर हमको स्वच्छता में ड्यूटी लगाई जाती है, चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है, मतलब ढेर सारे काम दिए जाते हैं, मगर काम तो देते हैं मगर उसके बदले क्या कुछ नहीं दिया जाता। 2,000 रुपये दिया जाता, 2,000 रुपये में हाथ 1999 सर वेतन रुका हुआ है। मानदेय तो सर है ही, हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, नियमितीकरण कर देगा तो हमारा ऑलरेडी वेतन मान लागू कर देगा, और जो मानदेय है सर 1999 आज तक रुका हुआ है। और यदि आप ही अभी क्या है सर, जो अभी हम लोग को निकासित कर दिया था ठीक ना, उसके बाद में अभी तो 3 महीने के लिए फिर समृद्धि किया है, तो समृद्धि करने के बाद में अभी आज तक आदेश वितरण नहीं किया किसी को। सर हम लोग उसका जिला पंचायत घिराव करते रहते हैं, हमेशा जाते हैं आते हैं, बोलते हैं अभी आदेश जारी नहीं, अभी आदेश जारी नहीं हुआ तक।